आज आपके सामने एक बहुत ही अलग से व्यक्ति को पेश कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने बहुत सी जो है दंत कथाएं सुनी होंगी, जेम्स बॉन्ड की, जेसन बॉर्न की, जैक रायन की दंत कथाएं, बिकॉज सब फिक्टिशियस स्टोरीज हैं, ये हीरोज रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपके सामने एक रियल हीरो को पेश कर रहा हूं। तो देन 2009 में मैं एनएसजी में आया जी। तो 2009 में ओवरऑल एनएसजी का मैं बेस्ट कमांडो भी रहा हूं सर जी। ये एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही डेडिकेटेड सोल्जर है अपने देश के। आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 36 टेररिज्म ग्रुप एक्टिव हैं सर, और इन्होंने एक जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं कि दोनों को ब्लैंक रेंज से फायर मारा हुआ है, सिंगल हेड हिट में मारा है दोनों को, मतलब कोई एक्सपर्ट होगा वही इनको मार सकता है करके। लेकिन अपने आप में एक स्टील मैन है। तो ये फर्स्ट टाइम है इंडिया के अंदर आज तक किसी टेररिस्ट की भी 11 जेलें ट्रांसफर नहीं करी गई होंगी सर। अच्छा। तो मुझे उत्तराखंड के 11 जेलों के अंदर ट्रांसफर किया गया। ये एक लोहे की दीवार है। किसी आदमी को अगर गोली मारे तो 4-5 सेकंड में मरता होगा वो। मैंने कहा सर मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं हाथ से। इनका नाम है लक्ष्मण सिंह बिश्त जी। मतलब उत्तराखंड यूपी दिल्ली की मतलब 99 पॉपुलेशन भी लोग मेरे फेस नहीं जानते, लेकिन उन्हें लक्की 20 लक्की कमांडो हर आदमी को पता सर। क्योंकि गिरते हैं शह सवार ही जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सर अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम अपने राजन की तरफ से भी मेरे को ऑफर आए, अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे की तरफ से भी ऑफर आए, बाहुबली डीपी यादव की तरफ से भी ऑफर आए।